तो दोस्तों वेलकम टू द अनदर एपिसोड। दोस्तों आज मौसम जो है बहुत ही शानदार हो रखा था, तो हमने सोचा कि आज हम बाहर शूट करें। और दोस्तों दूसरी वजह ये भी थी कि ये जो बॉक्स था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और हमारे टेबल पे नहीं आ रहा था, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आज बाहर ही बनाया जाए। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक सीसीटीवी कैमरा सेटअप की। इसमें आपको DVR कैमरा और इसके अलावा इसकी हार्ड डिस्क हुई और जो केबल है वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं क्लासिफाइड टेक चैनल को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हे गाइज, आज हमने परचेज किया है अमेजोन से एक सीसीटीवी कैमरा सेटअप को। दोस्तों यह सेटअप जो आता है धव्वा कंपनी की तरफ से आता है, और धव्वा कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं, यह एक बहुत पुरानी मैन्युफैक्चरिंग सीसीटीवी कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया से बढ़िया बनाने में विश्वास रखती है और इसकी सर्विसेज भी बहुत ही बेहतरीन होती हैं। दोस्तों बाहर अगर आप लोकल मार्केट से सीसीटीवी कैमरा परचेज करते हो तो आपको इस बजट में नहीं मिलता है। दोस्तों इससे ज़्यादा बजट में ही, या इससे मतलब 15 से 16 हज़ार में आपके लगेगा। लेकिन हमने इसको अमेजोन सेल में मंगवाया है जो हमें डिस्काउंट होके काफ़ी कम पैसे में लगा है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों आपको इसमें सबसे पहले मिलती है एक केबल और साथ में मिलते हैं इसके कुछ पावर सप्लाई और BNC कनेक्टर, जो कि आपके कैमरा को सप्लाई देने के लिए और कैमरा से DVR में कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं। दोस्तों इसकी जो प्राइस हमें पड़ी है वो पड़ी है 9380 रुपये मात्र, मतलब आप 9400 रुपये इसको मान सकते हैं, 9400 ओनली। तो दोस्तों आप भी अगर इसे परचेज करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाके इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारे सामने आता है SMPS, मतलब स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, CCTV कैमरा पावर सप्लाई के लिए काम में आता है दोस्तों ये चीज़। तो दोस्तों यह जो है DVR से आपका कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में आप इसको आगे सप्लाई देने में काम में ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, आगे हमें बॉक्स में मिलता है एक हार्ड डिस्क जो कि 1000 GB का है, इसको भी एक तरफ रखते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने आता है एक DVR, जिसको वीडियो रिकॉर्डर आप बोल सकते हैं। दोस्तों यह भी धावा कंपनी का ही है और इसके साथ में आपको मिलता है 4 बुलेट कैमराज। दोस्तों इन बुलेट कैमराज को मैं एक बार बॉक्स से बाहर निकाल के रख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बुलेट कैमरा के ऊपर आपको इसके कुछ की स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। यह वाइट कलर में आता है और यह जो है आपके जो आउटडोर में काम में लेने के लिए एक बुलेट कैमरा बेहतरीन तरीके से काम करता है, इसलिए आपको आउटडोर में जो है बुलेट कैमरा ही यूज करने चाहिए। और अगर आप इनडोर में यूज करना चाहते हो तो आप डोम कैमरा भी मंगवा सकते हैं। हमको दोस्तों ये चारों कैमरा जो है बाहर की साइड लगाने हैं, इसलिए हमने चारों बुलेट कैमरा मंगवाए हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं DVR की, इस पर भी आपको इसके कुछ की स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। एक बार दोस्तों दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, बॉक्स में हमें DVR देखने को मिलता है, हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, 4 बुलेट कैमरा देखने को मिलता है और एक केबल रोल देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सब हमें बॉक्स में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि चारों बुलेट कैमरा एक जैसे हैं इसलिए हम सिर्फ एक कैमरा को ही आपको खोल के दिखाएंगे। बुलेट कैमरा जो है दोस्तों इस पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यह SD में रिकॉर्डिंग कर सकता है, साथ में ऑडियो को भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, नाइट विजन में भी यह अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग कर सकता है, और इसके मतलब जो वाटरप्रूफ है, क्योंकि यह बरसात में भी या आंधी तूफान में जल्दी से ख़राब नहीं होता। दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी भी जो है बहुत ही अच्छी बनी हुई, बहुत ही अच्छी है, यह बहुत ही अच्छी प्लास्टिक का बना हुआ है। दोस्तों बॉक्स में जैसा आप देख पा रहे हैं सिर्फ हमें एक बुलेट कैमरा देखने को मिलता है, साथ में कुछ यूज़र गाइड्स हैं, तो इसको भी हम बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं कि यह कैसा है। दोस्तों इसके लेंस के ऊपर एक प्लास्टिक का रेपर लगा हुआ है, जिससे कि यह ट्रांसपोर्ट के दौरान मतलब स्क्रैच वगैरह ना हो, तो आप चाहें तो इसको इंस्टॉल करने के बाद में हटा सकते हैं। दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, वास्तव में बढ़िया प्लास्टिक का बना हुआ है। दोस्तों इसमें आपको पावर सप्लाई का कनेक्टर और एक DVR का कनेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको जो केबल रोल मिलता है उससे आप इसको एक्सटेंड करके DVR तक लेके जा सकते हैं। बॉक्स में हमें दोस्तों इसके साथ में एक यूज़र गाइड मिलती है और साथ में आपको कुछ स्क्रू ड्राइवर्स मिलते हैं। दोस्तों यूज़र जो इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको मतलब हैंग करना है दीवार पे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं, आप यूज़र मैनुअल को पढ़ सकते हैं।
तो अब बात कर ली जाए दोस्तों SMPS की। जो कैमरा आपने लगा दिया है दीवार पे, हैंग कर दिया है, उसको पावर सप्लाई की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो दोस्तों उसके लिए आता है इसी के साथ में, क्योंकि हमने ये कॉम्बो मंगवाया है तो वो सारी चीज़ें हमको इसी में देखने को मिल जाती है। दोस्तों यह SMPS है, इसको बाहर निकाल के देख लेते हैं। दोस्तों यह वाइट कलर का एक प्लास्टिक का बना हुआ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ SMPS है। इसमें आपको इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं और यह 4 चैनल है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ स्विचेज मिल जाते हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग और नॉर्मल रिकॉर्डिंग के लिए काम में आता है। इसके अलावा दोस्तों इस पर आपको मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए आपको 3 मोड मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा लॉन्ग है, नॉर्मल है या लॉन्ग है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको एक पावर कॉर्ड केबल देखने को मिलती है, जिसको आप इसमें लगा करके इस पावर एक्सटेंशन को SMPS को सप्लाई दे सकते हैं, उसके थ्रू आप इसको कैमरा तक सप्लाई पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों इसको अब रखते हैं साइड में। अब बात कर ली जाए दोस्तों हार्ड डिस्क की। दोस्तों जो कैमरा हमारा रिकॉर्ड करेगा वो कहीं ना कहीं तो जाके स्टोरेज होगा, और मेमोरी कार्ड में इतना स्टोरेज होता नहीं है, क्योंकि मेमोरी कार्ड आप लगाओगे तो उसमें इतनी क्षमता भी नहीं होती कि वो ज़्यादा दिनों तक उसको रिकॉर्ड कर पाए। इसलिए इसके साथ में दवा कंपनी हमें देती है एक हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क दोस्तों ये हार्ड डिस्क जो है 1000 GB की हार्ड डिस्क है, जिसका बैकअप लगभग आप एवरेज मान के चल सकते हैं 25 से 30 दिनों का हो सकता है, अगर वो भी आप फुल HD में या HD में रिकॉर्डिंग करते हैं तो। दोस्तों यह Seagate की तरफ से आती है, जो कि एक जानी मानी कंपनी है, और यह दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हार्ड डिस्क है। 3.5 HSD इसको बोल सकते हैं, 1000 GB की है। दोस्तों इसकी जो वारंटी है वो भी 1 साल की है, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम आगे आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, क्योंकि यह जो हार्ड डिस्क है वो DVR के अंदर इंस्टॉल होगी, और इसको आप हमारी वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप इसे इंस्टॉल करें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है। इसको एक बार रखते हैं एक तरफ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं DVR की, जो कि है वीडियो रिकॉर्डर। इस पर आप देख पा रहे हैं इसके कुछ की स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, साइड में आपको धावा कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको एक छोटा कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, उसमें आपको कुछ केबल्स देखने को मिलती है। दोस्तों यह जो केबल है आपको DVR और हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए काम में आती है। इसको भी रखते हैं एक तरफ और आगे देखते हैं। दोस्तों यह है पावर सप्लाई। DVR को पावर सप्लाई देने के लिए दोस्तों यह एक अडेप्टर दिया हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हमें एक माउस देखने को मिलता है, जिसको आप DVR के पीछे USB में कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको DVR को स्क्रीन पे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और केबल देखने को मिलती है, जो कि हमें हार्ड डिस्क टू DVR कनेक्ट करने के लिए काम आएगी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको 4 स्क्रू देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम यूज करेंगे DVR को हार्ड डिस्क में फिट करते समय। हार्ड डिस्क को DVR में फिट करते समय, ये उल्टा बोल दिया थोड़ा सा मैंने। इसके अलावा तो दोस्तों इसमें आपको कुछ यूज़र मैनुअल और गाइड दे रखी है, जिसको आप देख करके समझ सकते हैं कि आप इसमें DVR में हार्ड डिस्क को कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो हम आपको आगे दिखा देंगे, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको रखते हैं एक तरफ। और दोस्तों हमारे सामने है एक DVR बॉक्स। DVR बॉक्स को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये ब्लैक कलर का एक DVR बॉक्स है, जिस पे धावा कंपनी की ब्रांडिंग दी हुई है। साइडों में आपको नीचे की साइड आपको इसकी कुछ डिटेल लिखी हुई देखने को मिल जाएगी। इसके कुछ सीरियल नंबर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और ये कितने वोल्टेज पे काम करता है वो देखने को मिल जाते हैं। पीछे की साइड दोस्तों आपको 4 कैमरा कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर देखने को मिल जाता है, और जो 2 रेड वाले हैं ऊपर नीचे, वो ऑडियो इन और आउट का आपको ऑप्शन देता है। यह जो PC से कनेक्ट करने के लिए VGA कनेक्टर देखने को मिल जाता है, और TV में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HDMI का पोर्ट देखने को मिल जाता है। माउस के लिए और कीबोर्ड के लिए आपको USB का पोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके बगल में आपको इथरनेट मिल जाता है, और इथरनेट के बगल में आपको पावर सप्लाई देखने को मिलती है। और दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी वास्तव में बहुत इंप्रेसिव है। फ्रेंड्स अब समय आ चुका है DVR को ओपन करके हार्ड डिस्क उसमें फिट करने का।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको DVR को ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको एक PCB देखने को मिल जाती है। PCB बोर्ड के अंदर आपको दो कनेक्टर दिए हुए हैं और दो ही कनेक्टर आपको हार्ड डिस्क में दिए हुए हैं। दोनों कनेक्टर को दो जो केबल आई मिली है आपको बॉक्स के अंदर उससे कनेक्ट करना है और उसमें नीचे स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट करना है और कुछ इस प्रकार से यह लगने के बाद में फिट हो जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।